गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस इज आल्सो नोन एज टी हिल्बर्ट स्पेस। ओके, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसे हम प्री हिल्बर्ट स्पेस भी कहते हैं। अब ये देखिए कैसे एन इनर प्रोडक्ट स्पेस और प्री हिल्बर्ट स्पेस इज ए कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस एक्स। ये कहाँ काम करेगा? कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस पे काम करेगा। कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है प्री हिल्बर्ट स्पेस को हम क्या कहें? कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस एक्स टूगेदर विद एन इनर प्रोडक्ट देन इट कैन बी रिटन एज ब्रैकेट डॉट कॉमा डॉट इनटू में। ये वही मैपिंग आप डिफाइन कर रहे हैं इसके लिए कि x क्रूस x टेंस टू किसे कर जाए c को। c इज ए कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस। ओके, देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी प्रूव करेगा ये। देन फर्स्ट वन इज x कोमा y इज इक्वल टू y कोमा x का कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स है तो कंजुगेट की बात करेगा ये। देन सेकेंड वन इज लेमडा x प्लस म्यू y इंटू में z। वी कैन रिटर्न, हम इसे लिख सकते हैं कैसे कि लैम्डा एक्स कोमा जेड प्लस म्यू वाई कोमा जेड। ओके, एंड देन लैम्डा एंड म्यू आर आल्सो स्केलर्स। देन लैम्डा को बाहर निकालिए, एक्स कोमा क्या हो जाएगा जेड, एंड म्यू को बाहर निकालिए, वाई कोमा क्या हो जाएगा आपका जेड। थर्ड वन इज एक्स कोमा एक्स विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके आगे? आपके जीरो के। एंड देन हम ये कंडीशन लेके चले कि एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाए? जीरो के। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास? जीरो। हम इसको ही जीरो के इक्वल करेंगे तो यहां हमारे पास क्या होगा? एक्स क्या है? डायरेक्टली जीरो। कंडीशन फर्स्ट रिड्यूसेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू किसमें? वाई एक्स में। हम अगर कंडीशन फर्स्ट जो आपकी थी यहां पे कि एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स का कॉन्जुगेट, अगर हम इसको रिड्यूस कर लें कि x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स, देन जो आपका स्पेस रहेगा ना बेटा ये वाला, ये लीनियर, ये कॉम्प्लेक्स लीनियर की जगह आपके पास रियल लीनियर वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ओके, देखो जब कंडीशन फर्स्ट हम रिड्यूस कर रहे हैं x कोमा वाई किसमें? इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स में, देन x इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल लीनियर वेक्टर। एन इनर प्रोडक्ट स्पेस और द प्री हिल्बर्ट स्पेस इज ए कोई कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस है। एक्स इज टूगेदर विद द इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन ये आप इनर प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करते हैं। देन इनटू मैक्स कोमा एक्स किसे टर्न करेगा? कॉम्प्लेक्स को। इसकी वही थी इन प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पढ़ी है। नेक्स्ट नीचे आइए, आप कह रहे हैं कि जो आप फर्स्ट कंडीशन को इस कंडीशन में रिड्यूस कर लें कि एक्स वाई इज इक्वल टू किस में आ जाए आपका? वाई एक्स में। देन जो एक्स है आपका वो क्या बन जाएगा? रियल वेक्टर स्पेस। एक कंडीशन और है कि अगर हम x इंटू इसको ऐसा चेंज करें कि x इंटू लैम्डा वाई प्लस म्यू जेड लिख लें तो इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स का कंजुगेट था ना, उसके लिए चेंज करते हैं हम इसमें क्या ले लेते हैं? कंजुगेट ले लेते हैं, इसे आगे शिफ्ट करेंगे y को, देन ये x आ जाएगा। हम इसे खोल लेंगे तो हमने क्या कर दिया यहां से? लैम्डा वाई हम लिख सकते हैं, लैम्डा वाई कोमा एक्स, देन लैम्डा को बाहर निकालिए वाई कोमा एक्स आ जाएगा। म्यू जेड कोमा एक्स रखेंगे तो म्यू को बाहर निकालिए जेड कोमा एक्स आ जाएगा आपके पास। देन इसमें से आपने क्या कर दिया? इनको सेपरेट सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद आप क्या करेंगे? देखो जब ये कंजुगेट है, कंजुगेट लैम्डा पे भी रहेगा म्यू पे भी रहेगा, इनको फिर से अलग अलग कर दो। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने चेंज किया था, ये चेंज किया आपका सेकंड के अकॉर्डिंग। अभी कहता है हमने कुछ ऐसा फिर से फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा? लैम्डा बार इन टू एक्स कोमा वाई प्लस में म्यू बार इन टू में क्या आ जाएगा? एक्स कोमा जेड। अब कहता है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करें कि एक्स कोमा जेड इज इक्वल टू वाई कोमा जेड फॉर ऑल किसके लिए हो जाए? जेड के लिए। तो इट कैन बी रिटर्न कि अगर ऐसा हो जाए कि वी ऑब्जर्व दैट, हम ये देखें कि इफ एक्स कोमा जेड इज इक्वल टू किसके आ जाए? वाई कोमा जेड के, फॉर ऑल किसके लिए? जेड के लिए। वी कैन ऑल्सो रिटर्न कि एक्स कोमा जेड इधर लिए लेफ्ट में, वाई कोमा जेड
फोर रूल किसके लिए, जेड के लिए। ओके, देन आप क्या करेंगे इसमें, एक्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वाई कोमा जेड इज इक्वल टू जीरो, फोर रूल किसके लिए, जेड के लिए। तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ओके, देन कह रहा है कुछ ऐसा पर्टिकुलर केस आ जाए कि हम ये कहें कि एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ जाए आपका, जीरो के। हैंस बाय थर्ड के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक्स कोमा एक्स, हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी आपकी पढ़ाई थी ना ऊपर, थर्ड प्रॉपर्टी में आपने कहा था कि एक्स कोमा एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो आ जाए तो एक्स भी क्या हो जाएगा इसमें, जीरो। तो ऑल्सो वे डिफाइन की एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर जीरो के आ जाता है तो आप क्या करेंगे इसमें, कि वी कैन रिटर्न की एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अगर ये जीरो के है तो बेटा क्या कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू वाई, ये कंडीशन निकाल लेंगे आप यहां से। ओके,